मैं श्रुति। सार्वजनिक क्षेत्र की भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड ने 16 राज्यों के गांव को ऑप्टिकल फाइबर आधारित हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने के लिए जारी 19,000 करोड़ रुपए के टेंडर को रद्द कर दिया है। जी हां, इस परियोजना को पिछले साल जून में भारत नेट के तहत 16 राज्यों में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में 29,430 करोड़ रुपए के कुल खर्च के साथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई थी। आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्या है ये भारत नेट परियोजना। आपको बताते चले कि भारत नेट परियोजना भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में लाने का कार्यक्रम है। इस परियोजना को भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड अमली जामा पहना रहा है। यही संस्था देश के कोने कोने में नेटवर्क पहुंचाने में सरकार का विशेष संचार माध्यम बनेगा। इसके जरिए ग्रामीण प्रशासन प्राथमिक स्तर पर ही कई सुविधाओं जैसे टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, ई हेल्थ और ई एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल कर पाएगा। और आइए अब जानते हैं कितने गांवों को जोड़ने का है प्लान। आपको बताते चलें कि केंद्र ने इस परियोजना के लिए 19,041 करोड़ रुपए के व्यवहारित अंतर कोष को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 16 राज्यों के 3,61,000 गांवों को जोड़ना रहा। परियोजना को 9 पैकेजों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक पैकेज के लिए अलग अलग टेंडर जारी किया गया था। आपको ये भी बताते चले कि 9 टेंडर में से प्रत्येक के लिए BBNL ने 8 फरवरी को कहा कि संबंधित पैकेज के टेंडर को किसी भी बोलीदाता द्वारा भाग न लेने के कारण इसको रद्द कर दिया गया। BBNL को भेजी गई एक ईमेल क्वेरी का कोई जवाब नहीं मिला। आपको बता दें कि हालांकि एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि कुछ फर्मों की भागीदारी थी, बोलियों का मूल्यांकन किया गया, लेकिन प्रतिभागी क्वालिफाई करने में असफल रहे। नाम ना बताने की शर्त पर सूत्र ने यह कहा कि उद्योग से फीडबैक लेने के बाद फिर से टेंडर निकाला जाएगा। सरकार गांवों को जल्द से जल्द ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको ये भी बताते चले कि राज्य के स्वामित्व वाली फर्मों को परियोजनाओं में तेजी लाने में कई मुद्दों का सामना करने और कई समय सीमा चूकने के बाद सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी का विकल्प चुना। भारत नेट परियोजना को सन 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में अप्रूव किया गया था, जिसका उद्देश्य सन 2013 तक सभी 2.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना था। इस परियोजना को अब सन 2025 तक बढ़ा दिया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक भारत नेट के तहत 1,70,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए सेवा के लिए तैयार किया गया। और आइए अब आपको ये भी बताते चलें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में इस परियोजना का विस्तार करने को कहा था। जी हाँ, आपको ये बता दें कि सरकार के अनुमान अनुसार गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने से कई तरह के अवसर पैदा होंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में मदद मिलेगी। वहीं सरकार से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं और लाभों का तेजी से क्रियान्वयन हो पाएगा। वहीं इंटरनेट से गांव में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि सभी ग्राम पंचायतों तक 100 Mbps की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने वाली इस परियोजना का पहला चरण 8 जनवरी 2018 में पूरा कर लिया गया। तब तक कुल 1,00,000 ग्राम पंचायतों को नेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया था। आपको बता दें कि भारत नेट प्रोजेक्ट को अगर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट कहा जाए तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद गांव में शहरों जैसी सुविधाएं पहुंचाना तो आसान होगा ही, साथ ही साथ ये डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद इसको मिलेगी। ये परियोजना पूरी तरह से मेक इन इंडिया परियोजना है। इसके लिए किसी भी विदेशी कंपनी की मदद नहीं ली गई है। तो आपको इस परियोजना को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।